जिन लोगों के सहयोग से तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था, आज केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस की सरकार यहां की जनता का शोषण का कारण बन चुकी है, यहां की अराजकता का कारण बन चुकी है। एक ऐसा राज्य जो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त किया है, वह आज अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए तरस रहा है। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है। जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भैया बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आ पाएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त तो होगा। और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी एसटी ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त तो होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है और आपके हकों पर कुठाराघात करना चाहती है, और इसीलिए आज हम सब यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, तेलंगाना राज्य के लिए 1969 में 1969 से लेकर के 2014 तक चले एक लंबे आंदोलन के फलस्वरूप तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो नारा दिया गया था, निल्लू नितलो और निया मा कालू, लेकिन सत्ता में आने के बाद केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन के द्वारा किए गए वादों को ही भूल गए। जब तेलंगाना बना था भाइयों बहनों, तब तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस राज्य था। आज तेलंगाना 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में फंस चुका है। याद करिए, आज बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति, यानी बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति। और यहां के नौजवानों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के महिलाओं के साथ बीआरएस आज यहां पर धोखा करने का कार्य कहा कर रही है। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कहता हूं तेलंगाना के मुख्य मुद्दों यानी नीलू नितुलु और नियामक कालू को पूरा करने में केसीआर पूरी तरह विफल रहे हैं। नीलू यानी पानी आज तेलंगाना में अवैध धन का स्रोत बन गया है, चाहे वह कालेश्वरम के नाम पर राज्य की सभी लंबित परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो, या फिर पलामारू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना का मुद्दा हो, जिसे अब केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल बना करके हल करने का प्रयास कर रही है। नितलु यानी पैसा, परिवारों ने बैंकों से पैसा निकाल लिया है,
जिसके चलते अभी राज्य एक ऋण राज्य बन गया है। आज यहाँ पर केवल कर्जा है, राज्य पे कर्जा है। हर बच्चा पैदा होता है यहाँ की सरकार की गलत नीतियों के कारण वह कर्ज के बोझ से दबा हुआ होता है। जो हाल आज तेलंगाना का है भाइयों बहनों, वैसा ही 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का भी हुआ करता था। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। याद करिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व का दायित्व तो मुझे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय बन गया, 55 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बन गया, 10 करोड़ गरीबों को वहां पर भाइयों बहनों आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन गया है। और यही नहीं, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों वहां पर 6 लाख गरीबों 6 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दे दी है और 1.61 करोड़ नौजवानों को उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ है उस निवेश के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश में 2.52 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों आपके तेलंगाना में यहां का नौजवान भटकने के लिए मजबूर है, यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहां की सरकार केवल शोषण कर रही है। यहां पे पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। आप मुझे बताइए कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार परीक्षा नहीं करा सकती, क्या वे राज्य का संचालन कर सकती है क्या? भाइयों बहनों आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने गत वर्ष कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 6 लाख नौकरी अब तक दे दिए हैं और भाइयों बहनों और शीघ्र 4 लाख नई नौकरी भी इनके माध्यम से आ रही है। फुल प्रूफ व्यवस्था है, सभी लोगों को इसके लिए लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों आज तेलंगाना में चाहे वह बीआरएस हो या कांग्रेस या बीएसपी, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है, ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कांग्रेस से जो विधायक चुने गए थे वे बीआरएस का सपोर्ट कर रहे थे और उनका एक विधायक मंत्री भी बन गया था। एक दूसरे से मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियों के पास सहयोगी के रूप में एक कॉमन फ्रेंड है और वह कॉमन फ्रेंड का नाम है MIM। MIM आप देखते होंगे ना, वह भी कॉमन है दोनों, जिस तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं और उनके कारण आज तेलंगाना यहां पर निजाम से मुक्ति के दिवस को नहीं मनाने देती है यहां की सरकार। भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वायदा किया है, बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेके आइए और तेलंगाना में लेकर आकर के निजाम शाही से मुक्ति दिवस को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के कार्य करेगी। और भाइयों बहनों इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक नया भारत देख रहे हैं। यह भारत वैश्विक मंच पर जिसका सम्मान बढ़ा,
वैश्विक मंच पर 142 करोड़ लोगों को सम्मान दिलाया है। यह भारत नया भारत है जिसमें सम्मान भी है तो सीमाओं की सुरक्षा भी है। आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता है। भारत आज के दिन पर छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता है तो भारत उसको छोड़ता भी नहीं है। आज यह भारत है नया भारत। इस भारत में गरीबों का कल्याण भी है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या कोविड के दौरान कोरोना महामारी का जो वैक्सीन आया था क्या कांग्रेस वैक्सीन दे पाती? नहीं दे पाती। कांग्रेस फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे पाती? मोदी जी 3.5 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं और अपने 5 वर्ष तक राशन की सुविधा लगातार जनता जनार्दन को मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य आ रहे हैं। कई हाईवे, कई रेलवे, कई एयरपोर्ट, कई एम्स, कई आईआईटी, कई आईआईएम, कहीं हर घर नल की योजना लागू हो रही है। कहीं पर अन्य तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का कार्य भी किया जा रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण भी है, उनके एजेंडे में भाइयों बहनों विकास के कार्य भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हैं। वह देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं, देश का सम्मान भी कर रहे हैं और आपकी आस्था का भी सम्मान कर रहे हैं। मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या एक कांग्रेस और बीआरएस के लोग कर पाते? आज हो रहा है ना। अयोध्या में राम मंदिर से आप भी खुश है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, में यहां पे आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, बीएसपी ने भी यहां पे अपना प्रत्याशी उतारा है और मैंने सुना है कि बीएसपी का प्रत्याशी यहां केवल वोट काटने के लिए उतारा गया है। एक तरफ कांग्रेस और बीआरएस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान का अपमान करने पे तारू है। संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और उनके आरक्षण पर डकैती डाल करके मुस्लिम आरक्षण की घोषणा इन्होंने मिलकर के यहां करवा दी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये कांग्रेस और बीआरएस और बीएसपी यहां पे केवल एक दूसरे को मदद करने के लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली में 403 सीट है, बीएसपी के पास एक सीट है मात्र, एक ओनली वन। जब उनका खोटा सिक्का यूपी में, जब यूपी में नहीं उनका विजेता पता है तो उनका खोटा सिक्का क्या तेलंगाना में चलेगा क्या? सही मत चलने देना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान मोदी जी ने दिया है, पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए हैं और इसलिए भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कल संविधान बनाने का दिन है 26 नवंबर। याद रखना, 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मोदी जी ने मान्यता दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मान्यता दी है और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना सहयोग करेगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं भाइयों बहनों, आपसे कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी यहां पर आपके बीच में उतारे हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि भाइयों बहनों, बीजेपी ने गेली पिस्तम नव तेलंगान मी वोटू कमलम गुरुतुके कोरू तनुनानो। और भाइयों बहनों,
इसके लिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए बीजेपी रावाली बंगाल तेलंगाना स्वप्नम साकरी चाली। मैं भाइयों बहनों आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर पल्लई हरीश बाबू को सीरपुर से अपना कैंडिडेट बनाकर के आपके बीच उतारा है। ये हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ से, और श्री आत्माराम नायक हैं आसिफाबाद से। भाइयों बहनों श्री आत्माराम नायक ये दोनों बीआरएस के खिलाफ उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़े हैं, उनकी तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं। आपको याद होगा आत्माराम नाइक पे तो बीआरएस ने 80 मुकदमे दर्ज कर दिए, झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें बदनाम करके उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। लेकिन आने दीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट को, भाइयों बहनों इसका हिसाब भी बराबर चुकता होगा। और इसीलिए मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए आया हूं। और बदले में मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मैं कांग्रेस के लोग और उनके सहयोगी कहते थे ना कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा, बोलते थे ना, और हम पहले से कहते थे कि मोदी है जो मुमकिन है, बोलते थे ना। भाइयों बहनों आज अयोध्या में डबल इंजन की सरकार है, वहां विकास भी है, सुरक्षा भी है, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, रोजगार भी नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार भी है, किसान का सम्मान भी है, गरीब का कल्याण भी है। और भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश आज रेडियो सरप्लस राज्य भी बनकर के उभर गया है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को के बाद सिरपुर और आसिफाबाद से कितने लोग हैं जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं, अयोध्या कितने लोग आना चाहेंगे। भाइयों बहनों आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सिरपुर से पी हरीश बाबू को और आसिफाबाद से श्री आत्माराम नाई को कमल चुनाव चिन्ह से विजयी बना करके भेजिए, और ये लोग जाएंगे तेलंगाना विधानसभा में जाएंगे, और 22 जनवरी के बाद